Hello and welcome back to Rohan After channel. अभी तो मैंने थोड़ा grind करा और level 4 तक पहुँचा गया हूँ अपने character को. अभी matchmaking देख रहे हैं कि कितनी देर में मिलेगा. Aim तो इस बार का मेरा यही है कि मैं एक बार तो जीत के दिखाऊँ, पर ऐसा लग नहीं रहा. मैं जितने भी players के against या साथ खेला हूँ मेरे से काफ़ी ज़्यादा experienced है. यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी चीज़ें अनलॉक्ड हैं, आधे से ज़्यादा चीज़ें पेड हैं, तो हमें जो फ्री में मिलेगा हम वही यूज़ करेंगे. अभी ड्रॉप इन एंड लोड अप, स्टे इनसाइड द आई ऑफ स्टॉर्म, लास्ट स्क्वाड स्टैंडिंग विंस. अच्छा, इससे मुझे याद आया कि मैं जो खेल रहा हूँ वो ऐसे टीम ऑफ फोर का है गेम. सोलो और डबल में भी ऑप्शन है कि मैं अकेला या तो खेलूँ या डबल में किसी फ्रेंड के साथ हम दोनों साथ होके बाकी सब पे अटैक करें. तो अभी तो फ़िलहाल हम इसमें, मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैंने शुरुआत भी इसमें ही करी थी तो आगे भी मैं सोच रहा हूँ कि इसमें खेलने की कोशिश करता हूँ. क्या होगा इसमें मेरा स्क्वाड नंबर वन आ जाए. इस बार मेरी स्ट्रेटजी यही रहेगी कि कहीं पे ऐसी जगह लैंड करूँ जहाँ पे लोग कम हो, मेरे को वेपन पहले मिल जाए. लास्ट वीडियो में मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि उसने सजेस्ट किया था कि हम मटेरियल से पहले वेपन ढूँढें, वेपन तो मिल जाए, वेपन मिल जाए फिर एक सेंस ऑफ सेफ्टी हो जाएगी. सो आई एम लाइक कि यार ठीक है, मैं ध्यान में रखूँगा आगे भी जब भी खेलना होगा. तो लेट्स मूव ऑन, अभी देखते क्या है आगे करने के लिए. वैसे तो मैं इस फैसिलिटी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, डस्टी डिवोट जो भी नाम है. तो यहाँ से हम एंटर तो कर गए हैं, देखते हैं. दूर से थोड़ी घुसेंगे हम, यहाँ से खुद तोड़ ताड़ के घुसेंगे. ये डैमेज ट्रैप ले लिया. जहाँ तक मैंने देखा है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ गेमिंग एंड एवरीथिंग, एक्चुअली इन कंसिडरेशन ऑफ, सही शब्द रहेगा, कि इंडिया में गेमर्स इतने नहीं हैं जितने बाकी कंट्रीज़ में है. जहाँ तक कंपैरिजन की बात आती है, यहाँ पे मैं देखा है कि गेमिंग को कोई ज़्यादा इतना कंसिडर नहीं करता है. एक रीज़न ये भी हो सकता है कि गेम्स इंडिया में महंगे आते हैं. जैसे मैं ये गेम भी प्लेस्टेशन 4 पे ही खेल रहा हूँ, तो प्लेस्टेशन 4 ख़रीदना ही सबसे बड़ी बात थी. फिर उसके बाद पता चला कि गेम्स भी एटलीस्ट जो लेटेस्ट हैं वो आपको 4000 के से नीचे नहीं मिलेंगी. अगर मिलेंगी तो आपको वो नॉर्मल वर्जन मिलेगा. अगर आपको जैसे कोई एडवांस डिलक्स एडिशन चाहिए जिसमें आपके कुछ स्पेशल चीज़ें और हों, तो उसके लिए तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा. मैंने ऐसे कई गेम्स देखे हैं जहाँ पे आप जो ज़्यादा पे करने वाला है उसको डिलक्स एडिशन मिलेगा, या जो भी डिफरेंट एडिशन मिलेगा, गोल्डन एडिशन मिलेगा. सो आई एम लाइक यार ये तो मनी ग्रैबिंग वाली चीज़ हो गई है. या पे तो उस इंसान ने भी किया है ना, उसको भी तो ये सब चीज़ें मिलने चाहिए. तो जिस इंसान ने एक्स्ट्रा पे किया है उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज है गेम में. ऐसा आजकल ये चल गया है. मैंने ये चीज़ एक तो इस गेम में देखी है. GTA ऑनलाइन एक टाइम पे बहुत अच्छा हुआ करता था. अब GTA ऑनलाइन में GTA डॉलर्स लाना इतना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्या, बहुत हार्ड टू कम बाय है. हार्ड टू कम बाय शब्द सही रहेगा कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं. और आजकल GTA ऑनलाइन इतना बोरिंग हो गया है कि ज़्यादातर लोग खेल ही नहीं रहे हैं. और जो खेल रहे हैं, या तो एक तो मॉडर्स जो हैं वो मॉडर्स या हैकर्स कहें, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अनॉय कर रखा है कि दिल जस्ट एज सून एज यू स्पॉन, जैसे आप लोकेशन पे आएंगे उसी उतनी देर में दिल जस्ट शूट यू डाउन.
एक टाइम पे यार ठीक भी लगता, चलो यार अगर मेरे पास होता तो मैं भी ऐसा कुछ ट्राई करता, पर उसके बाद अनॉइंग हो जाता है जब तुम्हारे साथ एक से ज़्यादा बार ही होने लग जाए ना, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर तुम चौथी बार सोचते हो यार मैं दूसरा सेशन ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। खैर वो तो हो गया, अभी तो हम यहाँ पे, हमें वेपन मिल गया है और यहाँ पे भी एक असॉल्ट राइफल मिली है और मिला, और एक ये चेस्ट, यहाँ पे भी चेकआउट कर लेते हैं क्या है। ओके, अब हम लोग फुली स्टैक्ड हैं, देखते हैं, और विद इन द सर्कल हैं, विद इन द सर्कल। अब यहाँ से ऊपर जाके भी कुछ है क्या यहाँ पे? हालांकि उस डोर में मैं चेक कर सकता था यार, पर अभी तक तो आई एम फुल्ली स्टैक्ड। अब यहाँ पे देखते हैं वॉच टावर में कुछ है कि नहीं, वैसे तो होगा बट लेट्स जस्ट चेक कि ये है कि नहीं। या है ग्लोई थिंगी, क्लियर किया। अभी तक तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो आई एम थिंकिंग कि इसको ड्रॉप कर देते हैं और बाकी ले लेते हैं। अभी तक हमारा कोई प्लेयर से आमना सामना नहीं हुआ है, अगर आमना सामना होता तो अभी तक आए, मेरे को नहीं लगता कि अभी तक मैं होता इस गेम में, क्योंकि सम ऑफ दीज प्लेयर्स आर वेरी टैलेंटेड, टैलेंटेड कह सकते हैं या स्किल्ड कह सकते हैं। अब ये लोग काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं तो जो नया बंदा आता है उसको बहुत ही वो लगता है कि यार मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूँ, तो वही वाली बात आ जाती है कि कैसे किया जाए। या तो सेम लेवल के यार लोगों को आसपास खिलाना चाहिए जिससे थोड़ा मतलब एडवांटेज हायर लेवल को ना मिले। अब इसमें क्या सिस्टम है मेरे को नहीं पता, मे बी वो लोग मेरे लेवल के हो, मे बी नॉट। अब यहाँ पे मैप में मैंने देखा है कि इस तुम पॉइंट कर सकते हो कि तुम्हें जाना किधर है, और अभी तक जो मैंने इस गेम में नोटिस किया है कि इसके कंट्रोल से मैं अभी तक फैमिलियर नहीं हुआ। बाकी जहाँ तक मैंने देखा है कुछ प्लेयर इतने एक्सपर्ट तरीके से खेलते हैं कि आई एम लाइक वाओ मैन, मेरे को इतना आसानी से खे मतलब यूज्ड टू हो जाऊँ कंट्रोल के, तो मेरे को भी बेटर रहेगा। बट लगता है कि और टाइम लगेगा, एज सुन एज कि जितना मैं और एक्सपीरियंस लेता हूँ मे बी मैं थोड़ा यूज्ड टू हो जाऊँगा कंट्रोल के। जैसे एक और स्मॉल शील्ड पोशन, ओके, तो इस शील्ड पोशन के अकॉर्डिंगली जहाँ तक मेरे को पता है ये रखना चाहिए, मतलब आपका जैसे स्मॉल है तो मेरे ख्याल से इसका लिमिट ही हाफ होगा, 50 होगा। एक और पीने की है, देखो उसमें गलती से गोली चल गई। ओके, तो आइडिया तो वो ड्रॉप कर ही दिया है, शील्ड शायद मेरा इतना ही मैक्सिमम हो सकता है, मे भी आगे चल के बढ़ जाए, हू नोस। तो लेट्स मूव ऑन। अभी मेरा स्ट्रेटजी ये रहेगा कि मैं रेडियस के रेडियस नहीं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के आसपास रहूं, जहाँ से मेरे को पता रहेगा कि यार पीछे से तो कोई आएगा नहीं क्योंकि मैं वो एरिया ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। दूसरा, जो भी आ रहा होगा वो सीधे मेरे गन फायर के रेंज में आएगा, अगर आता भी है तो, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि आएगा। ओके, अब
गेम काफी कलरफुल है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि ऐसा तो मैंने हार्डली कहीं देखा है। थोड़ा जिस टाइप का ये वॉयलेंट गेम है उसके हिसाब से इसका कलर काफ़ी अच्छा है, कलर कंट्रास्ट जो बोलना बोले, बट काफ़ी फ्रेंडली लगता है एनवायरनमेंट इसका, जबकि इसका इतना डेंजरस गेम है कि जस्ट एज सुन एज यू लैंड यू कैन गेट शॉट, बट ऐसा यू कैन जस्ट रोम अराउंड एंड कुछ करना भी ना हो तो जस्ट स्टे इन साइड द सर्कल एंड जस्ट रन एवरीवेयर, जो देखना चाहो देख सकते हो। अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं दिखा है हम लोग को, ये पीछे से मेरे सो कॉल्ड टीममेट्स हैं, टीममेट्स स्क्वाड मेंबर्स। देरी कर दी आते आते, आई थिंक कि दे वॉन्ट टू ज्वाइन विद मी एंड ठीक है। मैंने यही बोला था कि मैं सर्कम फ्रेंड्स के आसपास रहूँगा, पर मैं जहाँ तक तो देख रहा हूँ कि मैं खुद ही दूर आगे चलते फिरते। वहाँ पे कोई था, वहाँ पे कोई था, इसको भागते हुए देखा मैंने। पेड़ के पीछे मे बी वी कैन सी कि उसका अगला लोकेशन किधर है। हाँ वो उधर बिल्ड कर रहा है, जस्ट लेट्स होप कि अभी हमें कोई दिख ना जाए। यहीं पे देखते हैं कुछ दिखता है कि नहीं। हाँ जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि इंडिया में वही गेमिंग वाला मैटर जो है कि इतने गेमर्स मैंने कोर देखे नहीं हैं, देखे हैं अगर होंगे तो मैंने मिला नहीं हूँ, मिलना चाहूँगा ज़रूर, साथ में खेलेंगे। यहाँ पे क्लाउड दिखता है और ओके अभी भी 1 मिनट और 55 सेकेंड्स हैं तो लेट्स सी। सर्कल और छोटा हो गया, यहाँ कुछ है कि नहीं। इनिशियली तो हमने उसको यहीं देखा था, आई थिंक जहाँ तक बेटर रहेगा फॉर कवर सिस्टम के लिए, आई थिंक बुशेज आर मच बेटर बिकॉज शूट करने में प्रॉब्लम होगा जो भी है, जो आपके ऊपर अटैक करने और अटैक से देखा कि मेरे सो कॉल्ड में टीम मेंबर्स पे अटैक हो, स्क्वाड मेंबर्स पे अटैक हो रहा है, एक गया उनको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी भी उसी एरिया में जहाँ से हम चले थे, घूम फिर के वहीं पे आ गए, जस्ट डाउन वो, हाँ वही है। तो अगर हम वहीं रहते तो मोस्ट प्रॉब्ली लोग हमारी तरफ चल के आते, आई थिंक बेटर होता शायद कि वो लोग हमारी तरफ चल के आए रैदर देन हम उनकी तरफ जाएं। प्लानिंग की स्ट्रेटजी हो जाती कि कुछ ट्रैप्स, अरे हाँ ट्रैप्स ले कर सकते थे। और यहाँ पे मैं एम करके देखता हूँ, यहाँ से शूट तो नहीं हो पाएगा,
करना भी नहीं चाहिए, लोगों को मेरी लोकेशन मिल जाएगी अगर कोई यहाँ पे आसपास और होगा। जहाँ तक मेरा है देखा है कि यहाँ पे सरवाइव करना मेन है किलिंग से ज़्यादा, तो लेट्स सी। ओ कोई आया, वो भी उस तरफ शूट करो, उसने शायद अभी तक देखा नहीं। शूट करो, शूट क्यों किया? ओह शिट यार, वो देख लेगा मेरे को, आ गया। शूट शूट, ओ मैन, ओ गलत टाइम पे शूट किया मैंने। ओ योर टीम प्लेस 5 आगे। ओ बैटल पास टायर अप, ओके वी आर ऑन टायर 2, कांग्रेचुलेशंस टू मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।